सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो से आप लोग का मन का भ्रम जो है वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को भी कभी कभी मन में ऐसा होता है कि दो यार छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, छोड़ो यार जॉब वॉब, यूट्यूब को ही अपना करियर मान लेते हैं और यूट्यूब पे ही काम करते हैं दिल लगा के। हो सके 6 महीना में कुछ अगर किस्मत बदल जाए तो। गाइज रुको, आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज के इस वीडियो में गाइज मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब को एक करियर मानना चाहिए या फिर YouTube एक टाइम पास है। गाइज मैं आप लोग को जो उदाहरण दूंगा वो बिल्कुल जेन्युइन होगा और आप लोग के आंखों देखा सामने वाला जेन्युइन उदाहरण होगा, क्योंकि गाइज मैं अगर हवा में बात करना चाहूं तो मैं किसी को भी उदाहरण में दे सकता हूं, लेकिन गाइज जो मेरे साथ मिलते हैं, जिसका मैं अच्छा खासा कॉन्टेक्ट है, जिससे अच्छा से बात होता है, मैं उन दो उदाहरण को आप लोग के सामने रखने वाला हूं। उससे गाइज आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्या आप लोग यूट्यूब को अपना एक करियर मान सकते हो या फिर अपना जो टाइम पास चल रहा है वही चलने देते हैं। तो गाइज जो दो उदाहरण है वो हमारे सामने, एक है क्रिएटर सच 2.0 और दूसरा है माय स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र सर। गाइज इन दोनों क्रिएटर को आप लोग जानते हो अगर आप लोग एक टेक क्रिएटर हो तो। गाइज ये दोनों ही टेक यूट्यूबर है और इन्हीं का मैंने उदाहरण क्यों दिया ये आप लोग को वीडियो में आगे मालूम चलेगा, क्योंकि गाइज मुझे इनसे अच्छा खासा कॉन्टेक्ट है और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज फर्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं माय स्मार्ट सपोर्ट सर की। गाइज इनका एक टाइम में करियर बहुत ज्यादा इनका अप था YouTube पर, लेकिन गाइस आज की डेट पर अगर देखें तो इनका करियर बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है YouTube के मामले में। लेकिन गाइस आप लोग सोचोगे कि क्या स्मार्ट सपोर्ट सर जो है धर्मेंद्र सर, क्या उनका जिंदगी बर्बाद हो गया YouTube में? तो नहीं गाइस, एक जो क्रिएटर होता है ना उनका कितना भी बर्बाद जिंदगी हो जाए, लेकिन एक बार जो नाम बन जाता है उसको वो लाइफ टाइम खा सकता है, इतना तो हो ही जाता है। गाइस आज के डेट पर भी अगर माय स्मार्ट सपोर्ट सर की चैनल पर बात करें तो गाइस मिनिमम जो एवरेज व्यूज है वो 20,000, 25,000, 30,000 आ ही जाते हैं, जो कि गाइस हम जैसे क्रिएटर को लाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो गाइस आप लोग समझ के देखो कि अभी जो उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स है वो 1.4 मिलियन, मतलब लगभग 14 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स है। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट उदाहरण, अभी मैं सेकंड आप लोग को पहले बताता हूं, ठीक है? तो सेकंड उदाहरण है हमारे सामने क्रिएटर सच 2.0, जिनका चैनल पर लगभग 11 लाख सब्सक्राइबर्स है, 10 लाख प्लस इनका भी, और गाइस इनका भी चैनल पर जो है व्यूज लगभग 10 के अप्रोक्स अभी रिसेंटली आ रहे हैं। तो गाइस अब आप लोग बताओ कि इन लोग आखिर अपना जो YouTube में है इतना ज्यादा तो व्यूज आ ही जा रहा, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, तो क्या ये लोग अपना करियर मान चुके हैं? तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो क्रिएटर सच 2.0 है इनका पर्सनली मैं जानता हूं, झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत बार मेरे घर आ भी चुके हैं। गाइज इनका जो है इनका पर्सनल एक दुकान है। गाइज कौन सा दुकान है ये मैं आप लोग को ज्यादा प्राइवेसी नहीं बताऊंगा, उन्हीं से कभी पूछ लेना आप लोग को मालूम चल जाएगा, ठीक है? तो गाइज ये यूट्यूब पर तो आश्रित है ही कि चलो यार मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया, लेकिन गाइज फिर भी ये अपना बिजनेस को नहीं छोड़े हैं, जो कि गाइज इनका यूट्यूब से भी पहले था। इनका एक अपना दुकान है जो कि गाइज ये दुकान पर ज्यादा टाइम देते हैं, जबकि गाइज दुकान पर महीने में हम लोग जितना कमाएंगे वो गाइज यूट्यूब से ये एक दिन में कमाते हैं क्रिएटर सच 2.0, लेकिन फिर भी अपना दुकान को नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन रीजन कहना ये है कि मान लो कल दिन अगर यूट्यूब कुछ हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगा। चलो ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड नंबर जो मैंने आप लोग को बताया माय स्मार्ट सपोर्ट सर, गाइस उनका भी एक फार्म है अपना, ठीक है? और किस चीज का है ये मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूं, लेकिन उनका भी अपना एक बिजनेस है, एक नहीं हमको तो लगता है कि 2-3 बिजनेस है, क्योंकि वो किसान भी है, खेती भी उनका होता है बहुत बड़ा सड़ा, ठीक है? बिहार से बिलोंग करते हैं हमारे सर जी। तो अब गाइस आप लोग सोच के देखो कि ये जो दोनों यूट्यूबर है मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, गाइस हम जैसे यूट्यूबर का अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए तो हम लोग पढ़ाई छोड़ देंगे अपना, हम लोग जॉब छोड़ देंगे अपना, हम लोग अपना जो बिजनेस है उसमें भी ध्यान नहीं देंगे और अपना यूट्यूब पर फोकस करेंगे। लेकिन गाइस इन यूट्यूबर से हम लोग को सीखना चाहिए कि मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स रहने के बावजूद भी अपना साइड का बिजनेस जो है उनको भी फोकस करते चल रहे हैं। तो गाइस आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर करता हूं कि जो अपना यूट्यूब का करियर मानना चाहते हो, गाइस करियर आप लोग मानो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसको भी जारी रखो, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो उसको भी जारी रखो, अगर आप लोगों को कोई सरकारी नौकरी है तो गाइस उसको भी करो, भले ही आपका मिलियन सब्सक्राइबर छोड़ दो, अगर आपका 10 मिलियन भी हो जाए फिर भी आप लोग करो, क्योंकि गाइस पैसे और पावर में बहुत फर्क होता है। अगर आप लोग एक IPS ऑफिसर हो, ठीक है, और आप लोग एक यूट्यूबर हो, तो यूट्यूबर भले मैं मानता हूं कि चलो महीने का 10 लाख कमा रहा है और IPS जो ऑफिसर है वो 5 ही लाख कमा रहा है, लेकिन गाइस जो एक पद का पावर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है।
इस चीज को आप लोग को कभी भूलना नहीं, और अपना पढ़ाई और नौकरी जॉब बिजनेस कुछ भी है यार, आप लोग को लेके चलना है जिस फील्ड में आप लोग शुरू से काम कर रहे हो, ठीक है। अब गाइस मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि चलो यूट्यूब एक करियर बन गया। तो गाइस देखो, यूट्यूब एक ऐसा नदी है ना कि अगर गाइज आप लोग तैरना सीख गए तो बहुत बड़ा तैराक बन जाओगे, और अगर आप लोग तैरना नहीं सीखे तो गाइज आप लोग का जिंदगी डूब जाएगा। तो गाइज यूट्यूब एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है गाइज, जिसको यूट्यूब बना दिया करियर वो बहुत बड़ा बना दिया, मतलब गाइज उसके आसपास गरीब का जीव ही नहीं घूमता होगा, गरीब जो वर्ड होता है ना, जीव ही नहीं है। और जिसको गाइज गरीब बनाया ना यूट्यूब ने, वो एकदम बर्बाद कर दिया, मतलब जिंदगी ऐसा बर्बाद कर दिया कि उसको दोबारा मौका नहीं दिया उठने का। ऐसा नहीं है कि बंदा उठ नहीं पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा अंदर से जो डिप्रेशन वाला जो डैमेज करता है ना, वो यूट्यूब बहुत ज्यादा करता है। अब गाइस सपोज दैट मैं बता देता हूं कि क्या करता है डैमेज। तो गाइस मान लो कि आप एक यूट्यूब में वीडियो बनाते हो, आप फेस वैल्यू अच्छा खासा बना लिए हो, और गाइस अचानक से आपका 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुआ, थोड़ा बहुत जान पहचान हुआ, और आपका चैनल एकदम डेड हो गया, आपके बहुत हेटर्स बन गए यूट्यूब में, और आपका करियर एकदम खत्म हो गया यूट्यूब में। अब दोबारा अगर आओगे तो प्यार सपोर्ट नहीं बल्कि गाली मिल रही है यूट्यूब से। तो गाइस उस जगह पर क्या होगा जानते हो, आपका YouTube से तो करियर गया ही, ऊपर से गाइस अगर आप लोग कोई ऑफलाइन बिजनेस करोगे तो उसमें भी आप लोग को डर लगेगा। तो ऐसा होता है एक सोशल मीडिया पर काम करने वाले बंदों के साथ। गाइस अपना अपना थॉट सब लोग मानना, बट मेरा ऐसा थॉट है कि जो एक बार YouTube पे काम कर लिया उसको अगर आप लोग बोलो कि जाओ जाके चना भुंजा बेचो रेलवे स्टेशन में, तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि उसको अंदर से खराब लगेगा जो यूट्यूबर है, ठीक है। सपोज दैट कोई भी हो, अब सबका अलग अलग थॉट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको खराब लगना चाहिए, क्योंकि बिजनेस छोटा बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो गाइज ऐसा ही कुछ सीन है। बाकी गाइज आप लोग यूट्यूब को एज ए करियर मान सकते हो, क्योंकि आप लोग देखे ही हो आज के डेट में कि किसको कहां से कहां पहुंचा दिया यूट्यूब ने, ऊपर भी पहुंचाया है नीचे भी पहुंचाया। तो मैं यही बोलूंगा कि जो कर रहे हो उसको ले करके चलो, और यूट्यूब को कर सकते हो एज ए आपका ड्रीम या फिर शौक जो भी बोलो, बट हाँ सही है यार पैसा बहुत ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।